खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित खारक बांध के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे डूब प्रभावितों ने देर शाम जबरन कलेक्टर के चैम्बर में घुसकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौजूद पुलिस कर्मियों से जमकर झड़प की। डूब प्रभावितों ने कलेक्ट्रेट का चैनल गेट तोड़ा और अंदर हंगामा करते हुए गेट के कांच तोड़ दिए। ये सब घटनाक्रम पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ। डूब प्रभावितों ने कार्यालय के अंदर माधुरी बहन की अगुवाई में जमकर नारेबाजी की। सोमवार रात से कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे करीब 300 आक्रोशित लोग परिवार सहित अचानक धरना स्थल छोड़कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय बंद होने के बाद तोड़फोड़ करते हुए पुलिस ने झड़प करके अंदर घुस गए। इस दौरान कलेक्टर के स्टेनो मनोज जोशी के साथ भी मारपीट की और गेट के कांच तोड़ दिए। पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने स्थिति संभाली और डूब प्रभावितों को बाहर किया। एसडीएम अभिषेक गहलोत का कहना है कि डूब प्रभावित कलेक्ट्रेट के बाहर आंदोलन कर रहे थे, जबरदस्ती कार्यालय में घुसे, बातचीत कर बाहर निकाल दिया गया। अंदर का जो घटनाक्रम हुआ है इसके वीडियो फुटेज है, जाँच कर रिकॉर्डिंग अनुसार कार्यवाही करेंगे। मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे लेकिन मुआवजे का मामला जीआरए के अपील कोर्ट में चल रहा है। डूब प्रभावित आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रही माधुरी बहन का कहना है कि पिछले साल शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से मुआवजा राशि नहीं दी थी। नई सरकार ने भी एक साल बीत जाने के बाद मुआवजा राशि नहीं दी है। प्रशासन बड़ा चढ़ाकर तोड़फोड़ की बात कर रहा है। एक युवक से कांच टूट गया, उसको भी चोट आई। विधायक केदार डावर ने अच्छी पहल की है, सीएम कमलनाथ को भी हमने बताया, सत्याग्रह के माध्यम से गिरफ्तारी देंगे। एक लड़के की गलती की हम माफ़ी मांगते हैं, वो मानसिक संतुलन खो गया है, लेकिन शासन प्रशासन 300 परिवार के साथ ठीक नहीं कर रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अरे अंदर तक घुस गए, कांच वांच भी तोड़े। अच्छा, क्या किस प्रकार से ये घुस गए अंदर? पता नहीं कैसे गेट से तोड़ पाए। अच्छा, अरे अशोक जी घुस गए आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।